बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टार्स एकेडमी लाहौर गुलाम कादिर कैंपस। मैं आज आपको 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 का डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस वाला टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है स्टेप्स डिस्कस किए थे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिफरेंट तरह के स्टेप्स थे, वो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में वीडियोज़ में कवर करवा दिए थे। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम सबसे पहले हम पता चलना होना चाहिए डाटा क्या है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद हम क्या करेंगे, डाटा को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर उसकी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना क्या है, कंपलसरी है कि व्हाट इज़ डाटा। डाटा को साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट कलेक्ट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं किस फॉर्म में, मैथ्स के फॉर्म में और स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में। डाटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, डाटा और वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, डाटा की डेफिनेशन क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, हमारे पास क्या होती है, डाटा होती है, जिसमें क्या क्या चीज़ आ सकती है, नेम्स आ सकती हैं, आ सकते हैं, डाटा आ सकता है, वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब कि कुछ भी चीज़ आ जाए, डेट्स आ सकती हैं, वो क्या होती हैं, वो हमारे पास क्या है, एक डाटा है। ठीक है, अब उसके बाद हमें हमारे जो डाटा आया उसको हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना है और एनालिसिस किस तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट डाटा ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए हाइपोथेसिस को साइंटिस्ट क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसके डाटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में रख देते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनाइज किस फॉर्म में होते हैं, डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स हमारे पास मौजूद होते हैं जिसमें हमने डाटा को ऑर्गेनाइज कर रखना होता है, मतलब कि ग्राफिक्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं हम, टेबल की फॉर्म में भी रख सकते हैं, चार्ट्स की फॉर्म में भी रख सकते हैं, मैथ्स की फॉर्म में भी, डायग्राम्स की फॉर्म में भी एंड फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में भी हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस, साइंटिस्ट कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डाटा। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कर देते हैं। डाटा इज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, जैसे कि ग्राफिक्स, चार्ट्स, मैप, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट डाटा एनालिसिस। ठीक है, डाटा एनालिसिस में क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और नेसेसरी स्टेप है। ठीक है, जो कि क्या करता है, हाइपोथेसिस जो एक्सपेरिमेंटेशन जो हुई है हाइपोथेसिस की, उसको प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए डाटा एनालिसिस को यूज़ किया जाता है और इट इज़ डन थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को ही मैथ्स का यूज में किया जाता है। ठीक है, डाटा एनालिसिस की दो तरह के टाइप्स हैं, एक है रेशियो एंड सेकेंड वन इज प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशियो को हम इस कोलन मार्क के थ्रू शो करते हैं और इसको हम या तो इससे कर देते हैं या डिवाइड की फॉर्म में कर देते हैं, और प्रोपोर्शन को किससे से एक्सप्रेस करते हैं, इक्वालिटी के साइन से। ठीक है, मतलब कि ए ओवर बी या ए रेशो बी, ए कोलन बी, ये एक क्या शो कर रहे हैं हम, रेशो को एक्सप्रेस किया है हमने, और यहाँ पे ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, या यहाँ पे हमने किस चीज़ को शो किया है, प्रोपोर्शन को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें रेशो की एग्जांपल हमारे पास इस तरीके से आएगी कि हमारे पास पेशेंट्स हैं, मलेरियल पेशेंट्स हैं और नॉर्मल पेशेंट्स हैं। ठीक है, मलेरियल पेशेंट्स हमारे पास क्या है, 50 हैं और नॉर्मल पेशेंट्स हमारे पास क्या है, 150 हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम अगर इसकी रेशो निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, 51:50 एंड 53:150, तो हमारे पास 1:3 ऐसे पेशेंट, यानी कि हमारे पास 1:3 निकली है, तो ये क्या आएगी, हमारे पास रेशो आएगी। ये मैंने आपको रेशो की एक एग्जांपल बताई थी। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी प्रोपोर्शन के बारे में। प्रोपोर्शन क्या होता है, टू इक्वल रेशोस को इक्वालिटी के साइन से शो करना क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, इक्वालिटी के साइन से किसी भी चीज़ को शो करना क्या करता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। अब इसमें प्रोपोर्शन में क्या होगा, तीन वैल्यूज हमारे पास मौजूद होती है और फोर्थ वैल्यू हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं एक्स की फॉर्म में। ठीक है, फोर्थ सपोज हमारे पास, साइंटिस्ट ने क्या किया, 100 स्पैरोस को बाइट करवाया एक ऐसे मॉस्किटो से जो कि मलेरिया क्या करता है, कॉज करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 100 स्पैरोस को क्या किया, बाइट करवाया, जिसमें से 14 को क्या हो गई, इन्फेक्टेड स्पैरो हो गई, और जिसमें से 6 क्या थी, उनको कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ, 20 स्पैरोस थी इनको बाइट करवाया। हमारे पास फर्स्ट रेशो आई 14:20, सेकेंड रेशो हमारे पास आई 100। ठीक है, तीन वैल्यूज हमारे पास हो गई, 1, 2 एंड 3, फोर्थ वन हमारे पास हमने क्या कर ली, एक्स पोज कर ली। ठीक है, अब उसके बाद हम अगर इसको प्रोपोर्शनैलिटी की एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे इसको, एक्स रेशो 1 100 इक्वल टू 14:1,
20, ठीक है। अब उसके बाद इसको इक्वालिटी के उस साइड पे हम ले जाएंगे, जाहिर सी बात है x इधर रहेगा, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 100 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 14 करेंगे, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा x क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, जिससे हमें प्रूफ हुआ कि 70 जो थे पेशेंट्स उनको 70 जो थी स्पैरोस उनको क्या हुआ, मलेरिया गोट हुआ, ठीक है। यानी कि 100 आउट ऑफ 70 गोट मलेरिया। इस तरीके से हम डाटा को एनालाइज भी करेंगे और डाटा को ऑर्गेनाइज भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हॉस्पिटल्स वगैरह में जब नंबर ऑफ पेशेंट्स वगैरह को काउंट किया जाता है तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं और डिसीज की परसेंटेज हमारे पास कितनी मौजूद है और कितनी मौजूद नहीं है। अगर पेशेंट्स की परसेंटेज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है डिसीज की परसेंटेज भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को भी देखना पड़ता है और इससे डाटा को जो है ऑर्गेनाइज और एनालाइज किया जाता है हॉस्पिटल में भी कि डाटा कितने परसेंट जो हैं लोग मौजूद हैं और कितने परसेंट डिसीज है। उस तरीके से डाटा को एनालिसिस हॉस्पिटल्स वगैरह में भी किया जा सकता है। लास्ट टॉपिक है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स और ये भी एक डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है उसको स्टैटिस्टिकल तौर पर क्या किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। बायो रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू सॉल्व द बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा को यानी कि सॉल्व किया जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू, मतलब कि स्टैट्स और मैथ्स को इसमें यूज़ किया जाता है, जो मैं आपको डे वन से डे इस चैप्टर के स्टार्ट से ही बताती आ रही हूँ। अगर इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।